हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता माथुर जय की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी की सब्जी, जो कि खाने में बहुत स्वाद और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कच्ची हल्दी की सब्जी। इसके लिए हम लोगों ने हल्दी को छील के और बारीक बारीक काट लिया है। पैन में ये तेल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले हम लोग गरम मसाले डालेंगे। उसमें एक दो पत्ते तेजपात के, थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी दो चार लौंग और दो तीन इलायची और थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे और ये गरम हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसमें ये लहसुन डालते हैं, जो कि हमने छील के काट के रख लिया था, और इसको हल्का ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, और थोड़ा सा 2 मिनट चलाने के बाद बिल्कुल इसकी जो हल्का सा गुलाबी सा होने लगेगा, तब हम लोग इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, जो कि काट के हमने साफ करके रखी हुई है। इसको भी हम लोग थोड़ी सी नरम होने जितनी डाल देंगे। हरी मिर्ची थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने जो हल्दी साफ करके रख रखी है, ये हम लोग इसमें डाल देंगे। गैस थोड़ा धीरे कर देंगे और थोड़ी देर इसको हिलाएंगे। 7-8 मिनट तक हम लोग इसको हल्दी को इस तरह से हिला के और पकाएंगे, जिससे कि हल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। ये हल्दी हम लोगों ने इस तरह से पका ली है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसमें हम लोग ये अदरक जो हमने बारीक काट के रखी थी छील के, वो ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा घुमा लेते हैं, जिससे कि इसमें मिल जाएगी और ये भी अदरक भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो 1-2 मिनट इसको भी हम लोग घुमा लेते हैं, मिला लेते हैं इनके संग। इसके बाद हम लोग इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार पहले इसमें नमक डालेंगे, फिर लाल मिर्ची डालेंगे, वो भी आपके स्वाद के अनुसार डालिए। और ये धनिया पिसा हुआ है, वो भी हम लोग डाल देते हैं इसमें। अब ये सब मसाले डालने के बाद फिर एक बार सबको मिला लेते हैं और पका लेते हैं मसाले। मसाले पकने लग जाएं थोड़े, तब इसमें हम लोग ये दही ऐड करेंगे। 3-4 चम्मच दही डाल देंगे और फिर इनको हम लोग पकने देंगे सबको, और तब तक पकाएंगे जब तक ये दही सूख नहीं जाए और आपस में मिल जाए और तेल नहीं छोड़ने लगे सब्जी। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ रहा है और खुशबू भी आ रही है। इस तरह से ये हल्दी भी पक गई है और इसमें जो अदरक और हरी मिर्ची डाली थी वो भी पक गई हैं, और दही भी पक गया है। अब इसके ये जब दही बिल्कुल पक जाए और हल्दी में से तेल छोड़ना शुरू हो जाए, इसके बाद हम लोग ये पके हुए हरे प्याज हैं वो भी डाल देते हैं स्वाद के लिए। और इनको भी डाल के और पका लेते हैं। और इस तरह से देखिए आप, हमारे लिए हल्दी की सब्जी बनके तैयार हो गई है।